विराट कोहली के फैंस को जिसका था इंतजार, विराट कोहली ने जो है उससे भी जो है खत्म कर दिया है, यानी कि अपने फैंस को जो है खुश कर दिया है। यानी कि विराट कोहली जो है कल के मुकाबले यानी सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ जो है शतक जड़कर जो है आईपीएल का भी सूखा खत्म कर दिया है। पहले उन्होंने टेस्ट, टी20 और वनडे में तो शतक जड़कर सूखा खत्म किया, उसके बाद अब जो है आईपीएल में भी शतक जड़कर आईपीएल का भी सूखा खत्म कर दिया है। उन्होंने 4 साल बाद जो है आईपीएल में शतक जड़ा है, जिसमें जो है उन्होंने 62 गेंद में अपना शतक पूरा किया सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ, वो भी जो है प्ले ऑफ में पहुंचने के करीब आकर, जो जहां पर विराट कोहली की टीम यानी कि आरसीबी को बहुत जरूरी जीत थी, यानी कि इस अगर हारती तो प्ले ऑफ से बाहर हो सकती थी, जिसमें जो विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा। इसके बाद विराट कोहली के फैंस सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें विराट कोहली इस मुकाबले में जो है जबरदस्त पारी खेले, उन्होंने शुरू से ही जो है सनराइजर हैदराबाद के गेंदबाज पर जमकर अटैक बोला, और इसी के साथ जो है विराट कोहली इस सीजन में आईपीएल में 500 के जो है आंकड़ा पार कर लिया, यानी कि 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इसमें जो है विराट कोहली जो है 538 रन अब तक में बना चुके हैं, और इसी के साथ जो है विराट कोहली और फाइव डुप्लेसी के साथ 5 बार जो है शतकीय साझेदारी हुआ। इससे पहले जो है विराट कोहली आईपीएल 2016 में 4 शतक जड़े थे, उसके बाद आईपीएल 2019 में 1 शतक जड़े और आईपीएल 2023 में शतक जड़कर जो है क्रिस गेल का रिकॉर्ड के बराबरी कर लिया है, यानी कि आईपीएल में जो है 6 शतक जड़कर क्रिस गेल का रिकॉर्ड के बराबरी कर लिया है, और साथ ही साथ जो है भारतीय पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल में 6 शतक जड़े हैं, और इसी के साथ जो है विराट कोहली और क्रिस गेल जो है 6-6 शतक जड़कर आईपीएल में शतक जड़ने के मामले में पहले स्थान पर है, और जॉस बटलर जो है दूसरे स्थान पर शतक जड़ने के मामले में जो कि 5 शतक जड़े हैं। और इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में आरसीबी की टीम जो है टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जिसमें जो है सनराइजर हैदराबाद 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 186 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में आरसीबी जो है 19.2 ओवर में 2 विकेट गवाकर 187 रन बनाकर मुकाबला जो है 8 विकेट से अपने नाम कर लिया, और इसी के साथ जो है प्ले ऑफ में अपना दावेदारी जो है पेश कर दिया है।